हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैकी टैकी। क्या आपने कभी गौर किया है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कभी भी अपना राष्ट्रीय गान नहीं गाते? क्या आपको इसका कारण पता है? अगर नहीं तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे और जाने इस प्रश्न का उत्तर और कई फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 6, ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ आने वाले कस्टमर्स को खाना टॉयलेट के आकार के बने एक स्टैंड पर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप जितने खुश होंगे उतनी कम नींद में आपका काम चल जाएगा, पर यह बात गौर करने वाले है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका ज़्यादा सोने का मन करता है। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में लॉस वेगस नामक जगह पर हर रोज़ लगभग 300 लोग शादी करते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई एक फील्ड ज़रूर होगी जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो उस फील्ड को ढूंढें और उसमें अपना 100% दें। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है पेन की जो स्याही होती है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? मतलब जो पेन में इंक भरी जाती है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि पेन की जो स्याही भरी जाती है उसका आविष्कार भारत में हुआ था। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कभी भी अपना राष्ट्रीय गान नहीं गाते? इसका कारण आपको बता दूँ, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ एक देश नहीं लेकिन कैरिबियाई द्वीप समूह का एक संघ है, वहाँ एक भी राष्ट्रीय गान नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने डेविड रूडर के गीत रैली राउंड द वेस्ट इंडीज़ को उनके गान के रूप में अपनाया है।